हाय फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक हमें क्यों लगता है? आज इसी विषय पे पूरी बातचीत होगी, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यार। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने एक बल्ब का प्रयोग किया है और इस बल्ब को जलने के लिए एक फेज ग्रीन वायर, जिसको हम अर्थ बोलते हैं, और एक न्यूट्रल वायर की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हमने तीनों वायर लिया है आपको समझाने के लिए। इस बल्ब को जलाने के लिए फेज न्यूट्रल लगा है और यहाँ पे एक दूसरा बल्ब है जिसमें फेज और अर्थ का प्रयोग किया गया है। तो ऐसा क्यों? फेज और न्यूट्रल से भी हमारा बल्ब जलता है और फेज और अर्थ से भी हमारा बल्ब जलता है। यदि इसी बल्ब की अपेक्षा हमारा शरीर जब अर्थ पे रहता है, ज़मीन पे रहता है, और हमारे शरीर का कोई एक हिस्सा जैसे ही फेज वायर में कनेक्ट होता है, टच होता है, तो हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ठीक यही प्रक्रिया बल्ब की तरह हमारे शरीर में जल उठती है। ठीक इस प्रकार से ये व्यक्ति नंगे पांव ज़मीन पे खड़ा है और जैसे ही इनका हाथ फेज वायर से टच होता है तो इनको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। चाहे आपके शरीर में फेज और अर्थ टच हो तब भी आपको शॉक लगेगा, या फेज और न्यूट्रल टच हो तब भी आपको शॉक लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि आपको अर्थ और न्यूट्रल टच होता है तो आपको शॉक नहीं लगेगा। तो ये शॉक किस तरीके से लगता है? ये बल्ब जिस तरीके से अर्थ और फेज से चलता है, उसी तरीके से हमारे शरीर में भी एक बल्ब की भांति ऐसा कुछ उत्पन्न होता है जिसे हम इलेक्ट्रिक शॉक बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग सावधानी के साथ इलेक्ट्रिक कार्य करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।